शिवाजी महाराज का सारा जीवन प्रेरणास्पद था, न केवल ऊंचे आदर्शों के कारण बल्कि ऊंचे कीर्तिमानों और व्यावहारिक सफलताओं के कारण भी। उनकी उपलब्धियां और योगदान यदि हम संक्षेप में भी गिनें, तब भी इतने हैं कि किसी भी व्यक्ति का इतना सब कुछ एक जीवन में कर पाना कठिन है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिवाजी महाराज को उनके बचपन में और किशोरावस्था में अच्छा मार्गदर्शन मिला। उन्हें उनके पूर्वजों, खास करके पिता शाहजी राजे भोसले की उपलब्धियों और संसाधनों का आधार था। सनसनीखेज सफलताओं का पहला राज तो खुद वही सनसनी थी जो शिवाजी महाराज अपने कारनामों से फैला देते थे। ऐसा काम जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी न की हो, जो लगभग असंभव हो, जैसे अपनी किशोरावस्था में बीजापुर सेना की धुलाई, शाइस्ता खान पर आधी रात को घर में घुसकर हमला, अचानक से सूरत पर छापा और औरंगजेब की कैद से रहस्यमय तरीके से बच निकलना। इससे शत्रु मन में भयभीत रहता था और व्यावहारिक जगत में सफलता के लिए दुश्मन के मन में आतंक होना और दोस्तों के मन में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो शिवाजी महाराज का अपनी प्रजा से इतना गहरा प्रेम था, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ किया कि प्रजा उन पर मरने मिटने को तत्पर रहती थी। इससे उनके आसपास निष्ठावान साथियों का जमघट था और इसी कारण उनका जासूसी तंत्र यानी गुप्तचर विभाग भी बहुत ही मजबूत था, जिससे छापामारी में भी सुविधा होती थी। फिर अगली विशेषता थी शत्रुओं की कमजोर नस पहचानना। जैसे बीजापुर और मुगलों के बीच दोस्ती की असंभावनाओं को उन्होंने बचपन में ही भांप लिया था। मुगल अफसरशाही और उनकी सेना में फैले भ्रष्टाचार की वजह से मुगल साम्राज्य की खोखली शानो शौकत और उनका आहिस्ता आहिस्ता पतन शिवाजी महाराज समझ रहे थे। उदाहरण के लिए, शाइस्ता खान ने सालों साल शिवाजी महाराज के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो डरता था कि यदि उसने स्वराज्य को तुरंत दबा दिया तो कहीं उसका तबादला खैबर न हो जाए, जहां पश्तूनों ने दशकों से मुगलों की नाक में दम कर रखा था। इससे शिवाजी महाराज को संभलने का मौका मिल गया। अगली महत्वपूर्ण बात थी राजनैतिक सूझबूझ। ऐसी अचूक दूरदृष्टि बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलती है। एक तो शिवाजी महाराज का शत्रु बोध दुरुस्त था कि कौन उनका किसी भी स्थिति परिस्थिति में दोस्त नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने अफजल खान के पेट में छिपे कपट को पहचान लिया और उसे उसका पेट फाड़कर बाहर निकाला। इस तरह से वही सारे खतरे को मिटा डाला। शिवाजी महाराज की अगली विशेषता थी उपयोगी संसाधन इकट्ठा करना और बिना व्यर्थ का खर्च किए उसका सावधानी से और पूरी दक्षता के साथ इस्तेमाल करना। अंग्रेजों की तरह ही शिवाजी महाराज ने भी कभी व्यर्थ की जगहों पर कब्जा नहीं किया। ऐसी किसी भी जगह को नहीं जीता जिसका आर्थिक या सामरिक महत्व न हो, क्योंकि जहां से न तो कोई आय होने की संभावना हो और न जहां का कोई रणनीतिक महत्व हो, उस पर कब्जे का केवल एक ही मतलब होता है, बेकार का खर्चा। और वैसे भी शिवाजी महाराज के पास संसाधनों की कमी थी। वे जानते थे कि उनके राज्य की जमीन पंजाब अथवा गंगा के मैदानों जैसी उपजाऊ नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अनुपजाऊ जमीन आमतौर पर अनुपयोगी समझी जाती है और इस पर बाहरी हमलों की संभावना बहुत घट जाती है। तो शिवाजी महाराज ने इस आपदा को भी अवसर में बदल लिया। कृषि सुधारों और व्यापार सुधार से अपने काम चलाने लायक स्थिति बना ली, पर इतनी भी आकर्षक स्थिति नहीं बनाई कि दुश्मनों का इस पर ध्यान जाए। इससे वो तो टिके रहे, लेकिन दुश्मन का उनके राज्य पर हमला करने का कोई ठोस कारण कभी नहीं बन पाया। दूसरी कमजोरी थी सीमित शस्त्र अस्त्र, जिसका उन्होंने सीधा सा इलाज निकाल लिया। कोई कितना भी भड़काए या ललचाए, खुले युद्धों में न जाना और अपने दुर्गम पहाड़ी किलों से अपनी रक्षात्मक व्यवस्था इतनी मजबूत कर लेना कि अव्वल तो दुश्मन अंदर आने ही न पाए और अगर आ ही जाए तो बचकर न जाए। इसके कुछ उदाहरण हैं उंबरखिंड का युद्ध, अफजल खान प्रकरण, आदिल शाह के कोंकण पर नाकाम आक्रमण और संभाजी महाराज के शासन काल में मुगलों के सुपर फ्लॉप कोंकण अभियान। खुले युद्धों की जगह माया युद्ध और छापामारी पर बल दिया गया। चूंकि बड़े युद्धों में खर्चे भी बहुत होते हैं, तो इन्हें टाला जाता था। ऐशो आराम के साजो सामान शून्य थे, तो वो खर्चा भी बच गया। केवल सिपाही सिपाही जाते थे, हल्के फुर्तीले बिजली जैसे तेज घुड़सवार फटाफट हमला करके लौट आते थे, तो अभियान लंबे नहीं खींचते थे, इसीलिए खर्चे भी कम होते थे। कुछ लेकर ही लौटते थे, कुछ लुटाकर नहीं। जब तक दुश्मन को समझ में आता कि उसके साथ क्या हुआ है, मराठे अपना काम करके स्वराज्य में वापस लौट आते थे। अचानक से कहीं भी प्रकट होकर शत्रु को चौंका देना आखिर तक मराठा रणनीति का हिस्सा रहा। अंग्रेज तक इससे खौफ खाते थे।
यही कारण था कि शिवाजी महाराज के जीवन काल में मराठों के हमलों का दायरा इतना बड़ा था। शिवाजी महाराज की सफलता का एक और बड़ा कारण था गरम लोहे पर तेज हथौड़ा मारना, सही मौका पहचानकर उसे पूरा पूरा भुनाना। जैसे आपने देखा होगा कि अफजल खान को मारकर वे वहीं रुककर बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तुरंत विशालगढ़, पनालगढ़ वगैरह जीत लिए। शाइस्ता खान के खिसकते ही सूरत पर छापा मार दिया। और सबसे उल्लेखनीय बात, औरंगजेब की खैबर वगैरह युद्धों में व्यस्तता का उपयोग उन्होंने दक्षिण दिग्विजय अभियान के लिए किया। शिवाजी महाराज की एक और बड़ी विशेषता थी कि वो विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं थे, हार नहीं मानते थे। झूठी शान की बलि न चढ़कर सूझबूझ के साथ हालात से समझौता करते हुए परिस्थिति को देखकर एकाध कदम पीछे हटा लेते थे, जैसे पनाला की घेराबंदी के बाद उन्होंने किया, और मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमण के समय जब उन्हें समझौता करना पड़ा तो उन्होंने अपने हितों की पूरी तरह से रक्षा की, कुछ वर्ष शांत रहकर संसाधन बटोरे और उसके बाद जो पलटवार किया, करारा जवाब दिया। उसने खुद औरंगजेब को 25 साल दक्खन में फंसाए रखा, और इसीलिए शिवाजी महाराज का आगरा से सुरक्षित बच निकलना औरंगजेब से जीवन के अंतिम क्षणों में भी नहीं भुलाया जा सका। सही भी है, तूफानों में अकड़ने वाले पेड़ उखड़ जाते हैं, जबकि लचीली घास बच जाती है और लंबा जीती है। जो जीता है, इतिहास गवाह है कि वही भविष्य में जीता भी है। सर सलामत तो पगड़ी 50।